फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में कुल 7 फेज में मतदान होना है और 10 मार्च को चुनाव परिणाम हमारे सामने होंगे। अंतिम और 7वें फेज के मतदान में यूपी में कुल 9 जिलों में 7 मार्च को वोटिंग की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। इन सभी 9 जिलों की सभी विधानसभा में 7वें चरण में चुनाव होगा। हम आपको बताते हैं कि किस जिले की किस विधानसभा में 6ठे चरण में मतदान होगा। 7 मार्च को आजमगढ़ की गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, मेहतनगर, अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर पवई, लालगंज और दीदारगंज विधानसभा में वोटिंग की जाएगी। वहीं मऊ जिले में घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ और मधुबन विधानसभा पर भी वोटिंग होगी। इसके बाद गाजीपुर जिले के जाखानिया, सैदपुर, गाजीपुर, जंगीपुर, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, जवानिया में भी 7 मार्च को वोटिंग की जाएगी। इसके साथ ही जौनपुर जिले के मलहनी, जाफराबाद, मुंगरा, बादशाहपुर, शाहगंज, मडियाहूं, बदलापुर, केराकत, मछली शहर, जौनपुर में अंतिम और 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होगी। इसके बाद वाराणसी जिले की वाराणसी कैंट, रोहनिया, वाराणसी उत्तरी, सेवापुरी, वाराणसी दक्षिणी, अजगरा, पिंडरा और शिवपुर विधानसभा में भी अंतिम चरण में 7 तारीख को मतदान होगा। इसके साथ संत रविदास नगर जिले में ज्ञानपुर, भदोई और औराई विधानसभा में भी 7 मार्च को वोटिंग होगी। इसके साथ ही चंदौली जिले की सैयद राजा, मुगल सराय, चकिया, सकलडीह विधानसभा में भी 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। मिर्जापुर जिले की छानबे, मिर्जापुर, मझवा, चुनार और मडिहान में भी 7 मार्च को ही वोटिंग होगी। इसके साथ ही सोनभद्र जिले की दुद्दती, ओबरा, रॉबर्ट्सगंज और घोरावाला विधानसभा में भी 7 मार्च को अंतिम फेज में वोटिंग होगी। इन सभी 9 जिलों में 7वें चरण की वोटिंग के बाद 10 मार्च को जिला मुख्यालयों पर वोटिंग की गिनती की जाएगी। 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि आखिर यूपी की मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन 2022 में काबिज होगा। अब यूपी चुनाव में हर सीट की सभी राजनीतिक अपडेट पाने के लिए देखिए यूपी तक और डाउनलोड कीजिए हमारा तक ऐप।